मोहसिन दावर और अली वजीर की सरबराही में गिरोह का कार कमर चेक पोस्ट पर हमला। आईएसपीआर के मुताबिक मकसद कुछ दहशत गर्दों को रिहाई दिलवाना था, ऐसा बताया जा रहा है आईएसपीआर की जानिब से। सुबह सवेरे से तलाश सामने आ रही थी कि पश्तून तहफ़ मूवमेंट के रहनुमाओं अली वजीर और मोहसिन दावर की जानिब से हमला किया गया चेक पोस्ट पर। अब इतलात सामने आ रही है कि इस हमले का मकसद वहाँ से कुछ दहशत गर्दों को छुड़वा कर ले जाना था। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे एजाज अहमद से। बताइएगा एजाज, क्या बताया गया आईएसपीआर की जानिब से? आईएसपीआर की जानिब से अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो मकानी जराये हैं उनकी जानिब से ये इतलात फराहम की गई है। मकानी जराये का ये कहना है कि आज सुबह इस हजूम ने अली जावेद और मोहसिन दावर की क्यादत में चेक पोस्ट पर हमला किया। ये वजीस्तान शुमाली वजीस्तान का इलाका है बोया, जिसमें खार कमर चेक पोस्ट पर ही हमला किया गया। हमले के नतीजे में झड़प हुई और मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। मकानी जराये का ये कहना है कि हमला आवर गुज़िश्ता एक दो रोज पहले एक दहशतगर्दों की मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार एक शख्स को छुड़ाना चाहते थे और उसके लिए वो दबाव बढ़ाना चाहते थे और हमला इसी का नतीजा है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब मामला को कंट्रोल में कर लिया गया है और इलाके में अभी इस वक्त सुकून है। जी ठीक है, हुब्बुल वतनी का लिबादा ओढ़े इन मुल्क दुश्मनों का मकसद एक दहशतगर्द को छुड़वाना था। एजाज अहमद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।